ये दोस्तों इनका फ्लोर मिल, क्योंकि ये सक्सेस नहीं हुआ है, आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, सक्सेस नहीं है ये, 30-40 किलो घंटे में निकालता है, पैसा पूरा डूब गया है इसका, 85,000 रुपये। इसका मोटर मैंने खुला के वहाँ पे बांध दिया है और ये भी कार। नमस्कार दोस्तों, राजपूत सोलर एजेंसी में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, सोलर पैनल लगा हुआ है, ये देख लीजिए दोस्तों आप, सोलर पैनल लगे हुए हैं 450 वाट का। ये 16 का टावर है और ये 16 का टावर है, यहाँ पे दो टावर हमने लगाए हैं 16-16 के, 32 पैनल टोटल लगे हुए हैं और GI का स्ट्रक्चर के साथ में। दोस्तों ये प्लांट हमारा अभी तुरंत का लगाया हुआ नहीं है, ये दोस्तों प्लांट ये दिसंबर जनवरी का लगाया हुआ है। दोस्तों ये प्लांट का वीडियो मैं इसलिए नहीं डाला था क्योंकि जो भैया ने प्लांट लगवाया है वो लेके आए थे बिना पत्थर वाली जो चक्की आती है, वो चक्की लेके आए थे, तो वो चक्की कामयाब नहीं हुआ था। अब जाके इन्होंने जो है ये पत्थर वाला चक्की लगाया 18 इंची, अब जाके बढ़िया चल रहा है। अभी आप लोगों को मैं अपना गल्ला लोड दिखाऊंगा और देख लीजिए आप लोग, अभी 6 महीना हो गया है लगभग इसका, और अभी देखिए बराबर इसका स्टैंड वगैरह सब लगा हुआ, जैक स्ट्रक्चर लगा हुआ है और बढ़िया वर्क कर रहा है। आज अभी मैं आपको लोड दिखाऊंगा और भैया जी से बात कराऊंगा। और पैनल विक्रम कंपनी का है, 450 वाट का पैनल है। आगे वाले टावर में भी मैं आपको डाटा शीट दिखाऊंगा और GI का स्ट्रक्चर लगा हुआ आप लोग देख ही रहे हैं। टोटल 32 पैनल का सेटअप है ये, और इन्होंने इसमें हमने बोला था 10 HP का मोटर लगाने के लिए, लेकिन इन्होंने लगाया अभी 15 HP बोला था, 10 HP इन्होंने लगाया है, और जो कि मोटर बहुत हीट हो रहा है। और दिखा रहे हैं हम आपको पैनल का डाटा शीट, ये देख लीजिए, और ये लिखा हुआ है 2021 वही दिसंबर जनवरी का ये लगा हुआ प्लांट है, और 6 square mm वायरिंग हुई है, ये देख लीजिए आप लोग। हैवी मोटरदार हम लोग डालते हैं जिससे कि 27 साल पैनल का गारंटी वारंटी है, तो पैनल इसके साथ वायर भी चलना चाहिए। और अभी मैं आपको ये जो, हाँ एक चीज़ और बहुत ज़रूरी बताना है कि जो हमारा प्लांट ये लगा हुआ है यहाँ से 150 मीटर की दूरी पे लगा हुआ है, ये पैनल लगे हुए हैं दोस्तों, 16 का ये टावर है, 16 का वो टावर है, और ये वायर गई है यहाँ से, ये देख लीजिए आप लोग, ये वायर 3 फेज के लाइन गई है, ये प्लांट वो वहाँ पे लगा हुआ है, आप लोग देख पा रहे हैं, कम से कम 150 मीटर की यहाँ से दूरी है, जो कि मेरा बराबर वर्क कर रहा है मोटर। और मैं अभी आपको VFB दिखाऊंगा और दादाजी से बात कराऊंगा। और VFB दिखा रहा हूँ आपको, अभी ये लगा हमारा VFD, देखिए टोटल 50 की फ्रिक्वेंसी में चल रहा है अभी, ये देख लीजिए आप लोग, और MCB बॉक्स, और यहाँ से 3 फेज की लाइन गई है, ये यहाँ से 3 फेज की लाइन गई है, देख लीजिए। जब मैं अभी चल रहा हूँ, वीडियो को काटूंगा नहीं, यहाँ से 150 मीटर दूरी पे मोटर लगा हुआ है जो कि बराबर वर्क कर रहा है। और दोस्तों हाँ, इस कारखाने में जो फ्लोर मिल जो लगा था पहले, जो इनका चक्की लगा था बिना स्टोन वाला था, बिना पत्थर की चक्की, तो दोस्तों आप लोग जो भी मेरे व्यूवर्स हैं ये ध्यान दे लीजिए, कभी वो चक्की मत लाना, क्योंकि इनका पैसा उसमें उस चक्की में डूब गया, 85,000 की चक्की लाए थे ये, तो पूरा का पूरा पैसा चला गया उसमें। और अभी हम पहुँच रहे हैं, काफ़ी दूरी है, 150 मीटर की दूरी पर यहाँ पर लगा हुआ है मोटर हमारा। लोग कहते हैं कि नहीं, ज़्यादा दूरी हो जाती तो मोटर नहीं चलती, सब चलाने का तरीका होना चाहिए। और ये दोस्तों प्लांट ये लगा हुआ अचलगंज में। और दोस्तों हम आ गए कारखाने के अंदर, यहाँ से ये
ये दोस्तों इनका फ्लोर मिल, जो कि ये सक्सेस नहीं हुआ है, आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, सक्सेस नहीं है, 30-40 किलो घंटे में निकालता है, पैसा पूरा डूब गया है इसका, 85,000 रुपये। इसका मोटर मैंने खुला के वहाँ पे बांध दिया है और ये अभी कारखाने पे आ गए हम, काफ़ी दूरी बाद कारखाना मिला है। और ये देख लीजिए गंगा, अब भैया हम आ गए दादाजी से, जो इस प्लांट के मालिक हैं, जिन्होंने लगवाया है। नमस्ते अंकल। नमस्ते। नमस्ते। और ये बताइए अपना नाम, एड्रेस और ये प्लांट कैसे क्या हुआ, जो भी है। महावीर ग्राम श्योपुर पोस्ट परिकला। अच्छा, उन्नाव। ये अचलगंज के पास में पड़ता है। अचलगंज से 11 किलोमीटर, अचलगंज से 11 किलोमीटर है दूरी पे ये। और जिस किसी भाई को देखना है तो अंकल के यहाँ आके देख सकता है प्लांट। और ये प्लांट आपका लगे हुए कितने दिन हो गए लगभग? प्लांट लगा रहा है नवंबर। नवंबर में इनका प्लांट लगा था। और क्या दिक्कत थी जिसके कारण नहीं चल पाया? अच्छा, पत्थर वाली चकिया चला रहे हैं, पलोराइजर जो लाए थे नहीं चल पा रही थी, वो देखिए अभी, ये देखिए, ये चकिया नहीं चल पा रही थी और वो पत्थर वाली वहाँ पे चकिया लगाए हैं, ये पलोराइजर नहीं चल पा रहा। दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा, पलोराइजर के चक्कर में मत फंसिएगा। अभी पलोराइजर हमने दिखा दिया अंकल आपका, जिससे कि जो भी व्यक्ति हैं, आपका जो भी हो गया, जो हो गया पैसे का नुकसान, आगे चल के कोई भी फंसेगा नहीं, जो हमारे व्यूवर्स हैं। और बताइए अब जो आज आपकी चक्की चल रही है 18 इंची है, कैसा चल रही है? बढ़िया चल रही है। आप तो बढ़िया चल रही है, चलिए ठीक है। और आप ये हमारे काम, आपका हमारा काम कैसा रहा, ये पहले बताइए आप। हमारा संतोषजनक काम था हमारा, चलिए ठीक है। और आप सोलर के बारे में क्या बताएंगे कुछ लोगों को, हमारे व्यूवर्स को? जिसको लगवाना हो सोलर वाला जो है, हाँ, तो राजपूत एजेंसी से संपर्क करें, मोबाइल नंबर जो मैं कागज़ में डाल दूंगा। हाँ हाँ, नंबर हमारे पड़े रहते हैं, जिसको लगवाना है तो हमारे नंबर से बात करके प्लांट लगवा सकता है। बाकी जानकारी देने के लिए धन्यवाद अंकल जी। और चलिए ठीक है, बहुत अच्छा जानकारी दिया है। तो अभी आपका स्पेलर और क्या क्या लगा हुआ है आपके यहाँ? स्पेलर चालू नहीं है अभी, स्पेलर चालू नहीं है, चलाना है, वो भी एक साथ में ही चलेगा आपका। और मोटर आपने कितना एचपी का बांधा इसमें? मोटर भी 10 का है। 10 का है एचपी का मोटर, वो भी जो भी वो पलोराइजर में निकला था वही लगा दिए हैं। और वैसे तो इसमें 15 एचपी मोटर हम लोग लगाते हैं। अभी जैसे ही से हम इनका डबल लोड चला देंगे, कभी भविष्य में देखा जाएगा तो बढ़ा देंगे मोटर, कहीं मिलेगी सेकेंड हैंड में तो काम बराबर करेगी, तो मोटर लगा दिया जाएगा। बाकी अंकल जानकारी देने के लिए धन्यवाद।